सो इस टाइम रात के बजे 4:40 तो हमारी तरफ सभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस अब ना चाय बन रही है, तो चावल रात वाले पड़े थे वो अब हम खाएंगे, तो चाय बन जाए तो टाइम अभी बिल्कुल है नहीं। माशाल्लाह अब ना हमारे कावा चाय बन रही है, ये जल्दी बन जाए तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। गाइस ठंड लग रही है हमें, अंदर गर्मी लग रही थी, हवा भी ज्यादा लग रही है। सो चावल में लेके आए, गोरी ने चावल खा दिए मेरे से पहले, क्योंकि गोरी ने मेरे से पहले उठी थी, तो चाय हमारी बन गई आधा कप, बहुत नहीं गोरी। तो अब गाइस चावल खाते हैं, अगर खाना है तो आ जाओ, वरना हम कहते हैं गाइस बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह पाक का शुक्र गाइस ये भी टाइम पे मिल रहा है। अल्लाह पाक जो भी देता है ना, इतना सा देता है उसमें खुश होना चाहिए। बहुत अच्छे चावल बने गाइस, देखे बिरयानी आपको पता है गाइस, कभी कभार हम बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं। हमारा जो कुक है ना वो बहुत अच्छी बिरयानी पकाता है। अब ना हो जाते हैं शुरू। सुबह चावल वगैरह हमने खा लिए, चाय पी ली, और अब टाइम हो रहा है, अजान भी आ गई है, तो पढ़ते हैं नमाज। सुबह निमाज हम दोनों ने पढ़ ली, और अब न ये सारी चीजें उठा के अंदर रख देते हैं। डर नहीं लगेगा? मैं जा रहा हूँ। तन बेटी क्या है? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। चक मारता हूँ, सही चक मारता हूँ, चक ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। क्या बोले? सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, और अब ना आपको दिखाते हैं क्या काम करते हैं। तो आज गोरी का भी थोड़ा बहुत काम है। गोरी क्या काम करती है? तो गोरी के चैनल पे मतलब वीडियो क्यों नहीं आ रही? आपने कहा सपोर्ट करते नहीं, तो उस वजह से गोरी मतलब वीडियो नहीं आ रही। तो आपने मतलब दो वीडियो अपलोड किए, उससे कम से कम 1,000 व्यूज करवा दी, नहीं गोरी? इस चैनल पे 5,000-6,000 व्यूज आते हैं, उस पर मतलब 1,000 भी व्यूज नहीं आए। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ मैं क्या काम करता हूँ। तो माशाल्लाह आज ने काम अच्छा खासा पड़ा है, लेकिन कोशिश करेंगे खत्म करें। लेकिन हमारी बहन थी या हमारा भाई था, वो कमेंट कर रहा था आपने इतना बड़ा अपने के लिए घर बना दिया, मुर्गियों के लिए इतना छोटा, क्योंकि सीमेंट नहीं था, थोड़ा बहुत पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, तो उस वजह से सीमेंट नहीं आ पा रहा था। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मुर्गियों का घर बनाऊंगा। मुझे भी याद था ऐसे नहीं कि नहीं मुर्गियों का घर, क्योंकि ये छोटा था और मुर्गे ज्यादा हो गए थे, तो उस वजह से मैं ये सोच रहा था कि मैंने आज मुर्गियों का घर बना दूं, दूसरा दिन ना हो। सुबह सुबह चावल बहुत पड़े थे, वो मैंने दे दिया है, अब खा पी के फुल हो गए, पानी मैंने दे दिया था। तो अब ना मैं सोच रहा हूँ कि इधर मैं बनाता हूँ मुर्गियों के घर, इस तरफ गाइस हम गर्मियों के लिए छपरा बनाएंगे। तो आज गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ दो काम करने, कौन से दो काम करने हैं वो आपको बताता हूँ। एक तो मुर्गियों का घर बनाना है, कुएं को सारी जगह ऊपर बंद करना है, दोनों काम करते हैं, देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। देखो आप खुश हो ना, आप खुश हो ना, कोई शिकायत वगैरह नहीं है ना? अगर कोई शिकायत हो तो बताना, आप शिकायत नहीं करना, मुझे पता है आप शिकायत करोगी, आप तो वैसे खुश हो अब, है ना? दो मुर्गियाँ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो थोड़ी दूर गाइस जाते हैं ना, तो इसको मैं मतलब वापसी लेके आता हूँ, क्योंकि ये ना मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ खा ना जाए, ये देख लड़ रहे हैं। और एक और भी काम है छोटा सा, ये वाला रस्सी बड़ी गाइस, ये मैं सोच रहा हूँ ऐसे ना बांध दूँ या उधर में बांध दूँ, गोरी कपड़े वगैरह सुखाएगी। गोरी आपको पता है आज ना मैं आपको रस्सी बांध देता हूँ पैर कपड़े, उस पर सुखाना सही है, उसके कर से पैर जान छूट जाएगी, नहीं तो कांटे वगैरह छुप जाते हैं इसमें, लग जाते हैं। फिलहाल मैं इतनी रेत लेके आया हूँ। सुबह वक्त के साथ सब कुछ सेट हो जाता है, सिर्फ सब्र करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब इधर हम पहले आए थे तो हमारे पास सिर्फ झोंपड़ी थी, तो आज मतलब एक अच्छा सा घर है। ये मुर्गी जब पहले आए थे तो इसके पास भी एक झोंपड़ी थी, तो आज इंशाल्लाह इनके पास भी एक अच्छा सा घर होगा। अब मैं इसके ऊपर मैं काम स्टार्ट करता हूँ, तो तकरीबन 1, 2, 3 कमरे बनेंगे छोटे छोटे। तो अब काम करते हैं स्टार्ट, गाइस आपको दिखाते हैं किस तरह मैं बनाता हूँ। तो नक्शे में अच्छा खासा टाइम लग गया था, तो अपने नक्शा बना दिया, तो अब जल्दी जल्दी वो सारी देते हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह मैं बनाता हूँ। मेरे काम किए हुए गाइस आपको शायद पसंद ना आए, तो ये वाला भी काम करते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। तो मुर्गे गाइस सारे आ गए, देख रहे हैं कि हमारा घर बन रहा है। 2-3 घंटे में ये 3 कमरे ना इसको मैं सेट कर दूँ, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि आज काम दो है, वो दोनों उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह गाइस इनके घर माशाल्लाह बन जाएंगे, तो ये भी कितना खुश हो रहा है। आ गए आ गए, हाँ आपका घर बन रहा है, आपको पता है। तो उसके
ऊपर जो है ना तो वो ना भिगा के पेड़ डालते हैं। तो इसी तरह का माशाल्लाह अच्छे से काम हो रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी काम कर लूँ। ये देखें गाइस, ये थोड़ा बड़ा है गाइस, इसी को तोड़ देते हैं इधर से। अब नहीं ये सही हो जाएगा, ये हो गया फिट। मुझे ना सबसे ज़्यादा जो फिक्र थी वो मुर्गियों की थी। मैंने कहा इनका घर में एक अच्छा सा बना दूँ। आज कोशिश करते हैं इसी को कंप्लीट करते हैं, रात को ना मुर्गी इसमें बैठे। देखते हैं कितने कितने टाइम में होता है, लेकिन टाइम अच्छा खासा लग गया है। अब यार माशाल्लाह इस तरह मैंने ये मुर्गियों का घर बनाया है। ये देखा एक दो तीन कमरे, तो ईटें का इस बाल्टी में मैं भिगा रहा हूँ, ये माल पड़ा है तो गिला करके। ये देखा इस तरह ये गिला हो गया है, तो ये ना इधर मैं फेंकता आऊँगा इस तरह, तो इसको ना सारी दे देंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे से और मजबूत हो जाएगी। तो उसी के बाद इसके ऊपर कर देंगे लेपाई, मिट्टी की लेपाई कर देंगे ना, तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार गाइस मैं बना दूँ, तो अगर खरगोश वगैरह लेके आएंगे तो पैर मतलब कौन बनाएगा, तो एक बार बनी हुई होगी ना तो सही है। फिलहाल का एक कमरे में ना ये मुर्गे सारे में रखूँगा, बाकी दो कमरे ना ऐसे पड़े रहेंगे। अभी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह गाइस कुछ दिनों में ना ये सारा काम हो जाएगा जो कि मैंने सोचा है। छपरा भी गाइस बनाना है, लकड़ी पड़ी है। एक काम से गाइस फारिग होता हूँ, पैर दूसरा में काम करता हूँ। तो इसी तरह माशाल्लाह इसी घर को बहुत ही खूबसूरत कर देंगे। तो आप कह रहे थे गाइस दरख्त वगैरह नीम के डालें, पेड़ पौधे डालें, तो पौधे वगैरह मैं लेके आऊँगा तो वो लगा देंगे इधर घर में, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ फिलहाल ये वाले काम है ये मैं फारिग कर दूँ। तो इसके ऊपर माल मैंने गाइस फेंक दिया है, अब नहीं ईंटें इस तरह सेट करते हैं। ये देखें गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम हो रहा है, दो ईंटें गाइस मैंने डाल दी है। तो इस तरह अभी जल्दी जल्दी थोड़ा काम करें गाइस, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि टूटी हुई ईंटें ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी ईंट आ गई इधर देखते हैं, आती है आ गई। कल मेरे ख्याल से ये ऊपर छत वगैरह सारा काम हो जाएगा, तो कल इस घर में रहेंगे मुर्गे तो बहुत दुआएं देंगे। क्यों गाइस, बंदा अगर कोई चीज़ लेके आता है तो उसकी मतलब अच्छे से फास्ट करे। तो इस तरह का अभी मैं काम करता हूँ, मोबाइल सिर्फ रह गए 2%, तो अपने मोबाइल को मैं डाल दूंगा चार्ज पे, बाद में गाइस आपको दिखाएंगे कितना काम होता है कितना नहीं। चार्जिंग पे बाद में आपको दिखाऊंगा कितना काम होता है कितना नहीं। तो अभी थोड़ा मोबाइल चार्ज हो जाए क्योंकि 2% है, तो अगर ये बंद हो जाएगा, लो हो जाएगी बैटरी, तो पैर मतलब चार्ज होता नहीं है। बहुत अच्छा हमारा मड हाउस लग रहा है, साफ़ सुथरा। ये देखें गाइस गौरी ने सुबह सुबह सफाई करके बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर को कर दिया है। मुर्गी गाइस अभी से मतलब घर के अंदर बैठ रही है, अभी घर तैयार नहीं हुआ है, अब बाहर निकल जाओ तैयार करते हैं। तो उसी बाद मैं आपको कहूँगा कि इधर आ जाना तो आ जाना, सही है? अभी तैयार नहीं हुआ, आप ऐसे आ रही हो। बस अभी अच्छा खासा काम पड़ा है तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया रेस्ट की, तो अब मैं जाता हूँ ईंटें लेके आता हूँ। तो ईंटें नहीं है इधर, तो ईंटें लेकर तकरीबन या लास्ट हो सारी होगी, तकरीबन कितनी हो सारी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 हो सारी होगी, तो ये वाली लास्ट हो सारी। तो गाइस ये थोड़ा पड़ेगा, ये थोड़ा उठाता हूँ, उसी बाद मैं ईंटें उठा के आता हूँ। ये थोड़ा गाइस मैं लेके जा रहा हूँ, तो वैसे मैं टूटी हुई ईंटें पड़ी है ना ये लेके आता हूँ। इसमें मतलब टूटी हुई ईंटें ये कुछ काम की है, कुछ काम की बिल्कुल नहीं है। ईंटें गाइस अब कम पड़ी है, तो उस वजह से मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा घर मुर्गियों का सही है, क्योंकि कुएं के चारों तरफ गाइस बहुत सारी आएगी, तो उस वजह से मतलब ईंटें ये टूटी हुई ये भी मतलब पूरी नहीं होगी। तो माशाल्लाह बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा लगा हुआ, हवा वगैरह लग रही है। ये टूटी हुई है लेकिन काम वाली है, तो ये ना मैं उठा रहा हूँ, ये पड़ी गाइस। तो इसी तरह मेरे ख्याल से कोई 25-30 ईंट डलेगी तो वो मैं लेके जाऊँगा, ये काम की नहीं गाइस, इसमें माल ज़्यादा डलता है। ये वाली सही है, ये सही है गाइस। मैं कहता हूँ कि मुर्गियों वाला घर बन जाए, कुआं बन जाए, कुएं के जो 2-3 साल ऊपर आएगी ना तो उसी के बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। तो जैसे गाइस मैं काम कर रहा हूँ, काम तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं ऐसे समझता हूँ कि आज काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसी से भी ज़्यादा काम हो जाता है। ये जितनी ईंटें पड़ी हैं गाइस ये हम उठा लेंगे, पहले मैं ये मतलब घर वगैरह बना रहा हूँ, कुएं में डलेगी तो उसी बाद जो ईंटें बचेगी ना वो उठा के हम रख देंगे घर के अंदर। इतनी ईंटें मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये एक बार छोड़ के आता हूँ, दूसरी बार पैसे उठाऊँगा क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाता है। तो आराम आराम से गाइस काम कर रहा हूँ, ये ईंटें गाइस इधर फेंक देते हैं। अब निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ये देखें गाइस सारी निकाल दी मैंने, तो
तो अभी और लेके आता हूँ। विटामिन का वजन बहुत ज्यादा है, काम इसके रहते हैं सारे गाइस हो जाएंगे। ये लकड़ी बड़ी इसी को काट के इसको घर के अंदर रखेंगे, वो लकड़ी बड़ी है, तो ये सारा सेटअप बनाएंगे। आप गाइस देख रहे हैं मैं दिन में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, कोई एक मंथ में ये जितने काम पड़े हैं ना इसको गाइस मैं ख़त्म कर दूंगा। ये देख गाइस इस तरह ये जल्दी जल्दी ईटें में इसमें डालता हूँ, तो अब थोड़ा जल्दी काम करूँगा कि काम निकल जाए। पे देखता हूँ कि कुएं को भी ओसारी देनी है, तो कल इसको लेपाई करेंगे या आज देखता हूँ लेपाई हो जाए। तो ये ईट देखो माशाल्लाह इस तरह ईटें हैं पैर सही है। सुबह इतनी ईटें मैं लेके आया हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है काम हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत कम हो जाएगी तो पैसे मैं लेके आऊँगा। अब मैं पानी भरता हूँ बाल्टी में, तो तनिले बेटी भी अभी रो रही है, गोरी मेरे ख्याल से सो गई है, तो अब ना गाइस इधर से मैं पानी भर के जाता हूँ। सो पानी मैंने भर दिया, ऐसे नहीं कहा ये मेरा पानी, इसमें मिट्टी ये बाल्टी में, तो उससे ज़्यादा ऐसा देखने में आ रहा है। अब इस तैयारी में गाइस माल डालते हैं, ये माल मैंने सुबह बनाया थोड़ा बहुत सूख गया है, लेकिन पानी में डालूंगा सही हो जाएगा। इसी तरह से इसको सेट कर दें गाइस। तो चुनारी भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि चाचू से सुबह शाम में ले रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो सो जाते मैंने कहा अपनी चीज़ हो, क्योंकि हमें ना दूसरे तीसरे दिन मतलब चुनारी का काम होता है, तो सो जा मैंने कहा मैं अपनी ले लेता हूँ सही है। तो ये देखें गाइस इसी तरह ना अभी मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अब ना गाइस आधा घंटा मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ, ये काम को मैं निकाल लूँ, ये ओसारी गाइस आ जाए, बाकी रहेगी लेपाई। अगर टाइम मिल गया ना गाइस फिर मैं लेपाई भी कर दूँगा। डब्बी ले ली गाइस, अब ना मैं पानी डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा इस तरह, अब ये सही हो जाएगा। तो ये एक भर के रख देता हूँ, ओए होए होए होए, ये ना एक भर के रख देता हूँ। अब इसके अंदर ईटें गाइस डाल देता हूँ, ईटें भिग जाएगी तो मैं माल सेट कर दूंगा। ईटें आती नहीं, तीन चार आई है। अब सही है, आप ऐसे बैठिए रहो सही है। पहले का मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ओसारी रहती है ना ये मैं दे दूँ, तो सी बात ये वाला मतलब कमरा है ना ये हो जाएगा कंप्लीट। पांच ओसारी आती है तो पांच ओसारी में गाइस माशाल्लाह मुर्गियों का बड़ा हो गया है। अब अगर मुर्गा या मुर्गी खड़ा रहेगा ना तो पैर भी मतलब ऊपर छत पर नहीं लगेंगे, वो वाला घर था ना वो छोटा था, ये माशाल्लाह मैंने अच्छे से घर बना दिए हैं, लेपाई वगैरह करके अच्छे से बनाऊंगा। ये मैं माल सेट कर रहा हूँ, तो ईटें हमारी भिग रही है, तो उसी बार इसमें डालेंगे। तो इधर है ये देखेगा कहीं कहीं माल ज़्यादा डल रहा है, इधर इधर देखो भाई, तो ऐसे इसको मैं सेट करता हूँ। अब चुनारी भी कह रही है जल्दी कर जल्दी काम, सुबह ऑल टाइम ना आपने इस तरह से काम किया था, तो अब मेरी जान छोड़ो जल्दी काम करो, चुनारी ऐसे कह रही है। अब इसके ऊपर रखते हैं ईटें, आप आ जाओ, अब ये इधर रख देता हूँ भाई, ये देखेंगे और ये ऊपर नीचे ना गाइस ये मैं लेपाई में सेट कर दूंगा, और ये निकाल ली, आप आ जाओ इधर इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ ऐसे। इसी तरह गाइस मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ, पैर आपको दिखाता हूँ कितना काम होता है। सो मुर्गियों के जो घर था उसकी दीवार थी ना वो मैंने कंप्लीट कर दी है, तो अभी भी काम है, तो देखते हैं अभी करते हैं या शाम को करूँगा या सुबह। तो बिकॉज ये वाली जो दीवार थी ना ये सारी कंप्लीट हो गई है, ये देखें गाइस इतनी बड़ी हम कर रहे हैं, तो इसको ना मैं साइडों में लेपाई करूँगा, अंदर बैर से ऊपर से तो लेपाई करूँगा, लेवल और अच्छी सेट हो जाएगी, तीन मतलब कमरे ना बन गए अच्छे से, तो ये बड़े भी हैं ऊपर भी है। तो चैन का फर्श पक्का नहीं करूँगा, क्योंकि होते हैं जीत वो होते हैं, तो वो मुर्गों को गाइस खाएंगे, तो उस वजह से मैं कहता हूँ कि ये रेत सही है। मैंने डेढ़ सौ इसी रेत को निकाल के दूसरी रेत में डाल देंगे, तो इस तरह मतलब ये मुर्गे सेफ रहेंगे। और अब उनका मिट्टी इकट्ठी करते हैं इधर, उसी बार लेपाई कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, कोई 10-12 तगारी डलेगी तो ये लेपाई सारा हो जाएगा। मुर्गे ना अभी से अंदर मुझे आ रहे जा रहे हैं। सो अब ना आपको चल के दिखाते हैं हमारे गांव में मतलब कोई और भी आ गया है, कौन है कहां बैठा है वो भी आपको गाइस दिखाते हैं, तो अभी चलते हैं इस तरफ। ये देखा माशाल्लाह इधर से मतलब थोड़ा सा घर देखने में आ रहा है लेकिन अच्छे से नहीं देखने में आ रहा, तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कौन है कहां से आया है, तो वो ना आपको सारे डिटेल से बताऊंगा। और माशाल्लाह अब थोड़ा बहुत हमारा सारा हो गया है कि एक और मतलब भाई आ गया है, एक वो पहले भाई रहता था एक और आ गया है, हमारे ना अभी इधर तीन घर हो जाएंगे। पहले आपको पता है गाइस मैं अकेला रह जाता था, कभी कभार वो भाई चला जाता था, लेकिन अब ना मतलब वो भाई भी है, दूसरा भाई आ गया है, तो मतलब एक कोई मतलब अपने काम से जाएगा तो एक मतलब इधर होगा। मेरी दुआ है गाइस और भी आ जाए मतलब इधर घर वगैरह सारे हो जाए, तो एक न ये भाई आया है, तो एक न वो है, तो एक ये दो ये एक में तीन, तो अपनी फैमिली के साथ इधर रहता है। तो ये प्लाट ने गाइस ये उस भाई का प्लाट है, तो उस भाई ने मतलब इसको प्लाट दिया है, तो आधा उसने रखा है आधा इसको दिया है, तो उस भाई ने गाइस पैसे लिए हैं इसी से। अपने गाइस आपको मैं चल के दिखा दूँगा अंदर की हालत क्या है। तो वैसे ये ना रात को इधर अंदर सोते हैं, मतलब ये तरपाल बड़ी है, तो ये बिछा के फिर बिस्तर वगैरह आए तो मच्छरदानी डाल के तो इधर सोते हैं, तो इनके पास अभी कोई मतलब नहीं है मतलब सेटअप वगैरह, कोई चारपाई इनके पास नहीं है, कोई फर्श नीचे नहीं है, मतलब घर आपके सामने ये इस तरह का है, क्योंकि गाइस ये ना अभी आया है। मेरे घर का गाइस जब काम हो रहा था ना तो ये भाई काम कर रहा था, क्योंकि
ये इधर रहता था, दो तीन किलोमीटर दूर इधर रहता है, तो मतलब वहाँ अपना प्लाट नहीं था, तो ये मतलब इधर आके प्लाट अपना ख़रीद लिया है, तो अब ये इधर रहेगा, तो क्योंकि इसका प्लाट हो गया है, अब ये सिर्फ कहता है कि एक छोटा मोटा मेरा घर बन जाए, कहना है अगर आप में से कोई मेरा बहन भाई अगर इस भाई की हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ आप हेल्प करें, क्योंकि भाई बहुत गरीब है, आपके सामने का ये हालात है इसके। तो ये मजदूरी वगैरह करता है, 600-700 रुपये दिन के मिलते हैं, तो सीज़न ये गुजर सफ़र करता है। तो एक ये भाई है, एक ये इसका बेटा है, एक ने इसकी बेटी है, एक इसकी वाइफ है, तो ये फैमिली में चार रहते हैं। तो इसकी वाइफ है, इसकी बच्ची है ना, वो उधर चले गए उस भाई के पास, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक प्राइवेसी होती है, तो उस वजह से मेरे जितने भी बहन भाई हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि इस भाई की ना आप हेल्प करें, और नहीं तो एक मतलब कमरा बन जाए इसका, एक मतलब किचन बन जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मेरा थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा, ये मतलब भाई बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, तो इंशाल्लाह ये धोखा वगैरह नहीं करेगा। तो ये जब आया तो उसी ने कहा कि आपने मुझे एक कमरा एक किचन बनवा के देना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इधर रहूँगा। किसी और के प्लाट में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आप ना अभी चले जाओ, तो उस वजह से ये भाई मतलब आ गए इधर। जब हम गाय से आए थे ना, आपको पता है सिर्फ एक झोंपड़ी थी, तो आज माशाल्लाह एक अच्छा सा घर है हमारे पास, तो अल्लाह पाक इसको भी एक अच्छा सा घर देगा। तो ये भाई इन गाय से, ये उस भाई का भाई है, तो ये दोनों भाई हैं, तो ये मतलब प्लाट ने आधा आधा किया है, आधा उसने रखा है, आधा इसने रखा है, तो ये दोनों भाई है, तो माशाल्लाह ये भाई बहुत अच्छा है गाइस। तो आपने गाइस इसकी मतलब हेल्प करना, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और नहीं तो गाइस एक मतलब इसका कमरा बन जाए, एक छोटा किचन बन जाए, ये तकरीबन दो ट्राली मतलब ईंटों की डलेगी, और इतना ज़्यादा गाइस खर्चा भी नहीं होगा। मैं बार बार गाइस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब वो भाई चला जाता है ना, तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ, इतना डर लगता है गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो उस वजह मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा, अगर ये कहीं चला जाएगा तो वो भाई होगा, वो भाई अगर कहीं चला जाएगा तो मतलब ये होगा, तो इस तरह का थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा। तो उस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब मेरा एक सहारा होने की वजह से मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि इसकी ना आप थोड़ी बहुत हेल्प करें। ये कहता है कि मेरा छोटा मोटा ना एक घर बन जाए, वो चाहे छपरी पे हो या कच्चा हो या मतलब ईंटों पे, एक छोटा मोटा घर इसका बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, क्योंकि ये मजदूरी वगैरह करता है, तो चार फैमिली में गाइस 600-700 रुपये दिन के मिलते हैं, तो उसमें मतलब अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाता है, तो घर कहाँ बनवाएगा गाइस। इस भाई आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करना, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज गाइस थोड़ा बहुत इसके लिए करना। आप क्या कर रही हो? तुम ले बैठी, गर्मी लग गई क्या? गर्मी लगी है। ओए अब्बा अब्बा, ये छोटी बच्ची गाइस इसका कुछ नहीं है, क्यूट सी गुड़िया है, ये देखो गाइस। सो अब हम तीनों नाश्ता के हो गए तैयार, और शाम के बज रहे हैं 5, तो डेढ़ घंटा भी रह गया तकरीबन इफ्तारी में, तो अब मैं जाऊंगा शहर, वहां से बर्फ़ लेके आऊंगा, और आज कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और आपने ये भी कमेंट करोगे कि बस कमाने के लिए, पेट के लिए तो बंदा कमाता है, लेकिन पेट के लिए गाइस कमाता है, लेकिन लिमिट से ना गाइस खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाली गाइस पेट भी नहीं होता, तो और भी बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे अगर कल मैं इफ्तारी के लिए तकरीबन कोई 500-600 रुपया खर्चा किया, नहीं गौरी? तो मतलब कभी कभार मतलब ज़्यादा खर्चा करेंगे इफ्तारी में, कभी कभार कम खर्चा करेंगे, तो इस तरह मतलब काम चलाएंगे, क्योंकि एक गरीब इंसान होता है वही मतलब गरीब इंसान का दुख सुख समझ सकता है, नहीं गौरी? हाँ जी, फीलिंग समझ सकता है। नाश्ता हो गया तैयार, और गौरी ने गाइस बाल भी काट दिए, ये देखो गाइस उल्टे सुलटे थोड़े काट दिए। बाल तो सही नहीं काटे गौरी ने, बाल तो सही नहीं काटे गौरी ने, आपने क्यों कटिंग करवाने दिया? मुर्गियों का घर का काम इतने तक हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं काम करता हूँ, लेकिन नाया शाया तो थोड़ा टाइम लग गया, तो अब मैं देखता हूँ रोज़ा इफ्तार के बाद काम करूँ, या तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल काम करूँ। अब रहता है लेपाई वाला, ये लकड़ी का मैंने ऐसे डाल दी है, इसको मैं निकालूंगा, क्योंकि अंदर से लेपाई करेंगे, बैर से लेपाई करेंगे, ऊपर से लेपाई होगी, ये बेलस बराबर होगा, तो उसी के ऊपर मतलब ये वाली लकड़ी में डालूंगा, तो इसके ऊपर मैं तड़ा डालूंगा, तो उसके ऊपर मैं लेपाई करूंगा, तो ये मजबूत और अच्छा हो जाएगा। तीन छोटे छोटे दरवाजे ये गाइस मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ। अपन गाइस निकलते हैं शहर की तरफ, तो बर्फ लेकर जल्दी जल्दी आ जाते हैं वापसी। गोरे आपने खाने पीने का बंदोबस्त करो, सही है? अपन मैं पहुंच गया हूँ शहर, और काफी अच्छा नज़ारा लगा हुआ है। आपको पता है शाम का मौसम मेरी पसंद की होती है, शाम और घर से निकल के थोड़ा घूमने को मेरा बहुत दिल करता है। ये वाला रोड लेके आया, अब मैं जाऊंगा, माशाल्लाह काफी अच्छा नज़ारा लगा हुआ है, ये देखा है, तो अभी चलते हैं सीधा आगे। सो शहर से मैं आ गए वापसी, तो गौरी कह रही है मैंने रोटी पका दी इतनी जल्दी। हाँ जी, रोटी पका ली और सालन पका दिया, दोनों दोनों। ओए तंदला बेटी क्या किया? शरबत भी बना दी। वाह, चुप हुई है ना, आज चुप करके बैठी थी, आज नहीं रो रही थी, मुझे ऐसे लगता है। तो गाइस दूध में लेके आए 50 रुपए का, 30 रुपए बर्फ लेके आयो। अपन दस्तरखान बिछा देते हैं इधर, गौरी इधर बिछा दो, गौरी तो इधर गाइस बिछा देते हैं। सवाल अपन रजान आ रही है,
तो गोरी ने अभी दुआ मांग रही है, तो सालन भी गोरी लेके आई है और रोटी भी लेके आई है, पानी ये बर्फ वाला पड़ा है। तो अब ना हम करते हैं रोज़ा अफ्तार, सो आज था छठा रोज़ा तो वो भी हमने अफ्तार कर दिया। तो अब मैं आ गई ऊपर पहाड़ पे भित पे, तो इधर ना अभी मैं व्लॉग अपलोड करूँगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में सुबह से लेकर शाम तक जान लगा देते हैं तो एक वीडियो बनती है। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ कि मेरे जितने बहन भाई हैं उनको पसंद आए, तो इतनी मैं कोशिश करता हूँ। तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है।